सो हेलो गाइस, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। तो जो क्वेश्चन आपने सबसे ज्यादा पूछा था मुझसे कि एम आई सेलिंग माई एन एस 100 और नॉट आफ्टर डुगाटी मॉन्स्टर, तो उसका मैं आज आंसर देने वाला हूँ। और उसके साथ ही हम अपनी डुगाटी मार्ज टेल टाइट इंस्टॉल करने वाले हैं। एंड इसके साथ ही मैंने ये हैंड ग्रिप मंगाई है अमेजन से, क्योंकि वो पुरानी वाली हैंड ग्रिप काफ़ी बेकार लग रही थी और मैंने बताया भी था मैं चेंज करने वाला हूँ, तो वो आ चुकी है। तो जो स्पाइडर की हमारी लग रही थी हैंड ग्रिप, उसी स्पाइडर की हमने मंगाई है। तो ये ब्लैक एंड पिंक शेड में, तो इसको इंस्टॉल करने वाले हैं अभी हम, और इसके साथ ही टेल टाइट भी इंस्टॉल करने वाले हैं। सो वीडियो को स्टार्ट करते हैं, एंड तक देखना, लेट्स गो। सो हेयर इज अवर पल्सन एस 200 जिसको हमने लिया था 2019 के अप्रैल में, और ये रही अपनी डुगाटी मॉन्स्टर 821 जिसको मैंने अभी लिया है 2022 के दिसंबर में। तो बेसिकली वो मेरी फर्स्ट सुपर बाइक है। बट आप सभी लोग पूछ रहे थे कि मैं एन एस 200 सेल आउट करने वाला हूँ या नहीं करने वाला। मैं इसको बिल्कुल सेल आउट नहीं करने वाला उसके आने के बाद, बिकॉज देर इज लॉट्स ऑफ रीज़न कि मैं इस बाइक को क्यों रखना चाहूँगा, तो उसके बारे में आज डिस्कस करने वाले हैं हम। तो सबसे पहले तो आप देख सकते हो कितनी ज़्यादा मॉडिफिकेशन हुई हुई है इसमें। तो फर्स्ट रीज़न जिसकी वजह से मैं इसको सेल आउट नहीं करना चाह रहा वो है कि दिस इज़ माई फर्स्ट बाइक एंड आई लव दिस बाइक गाइज। तो फर्स्ट बाइक का पता ही है। एंड गाइज सेकेंड रीज़न ये है कि मैंने इसमें इतना ज़्यादा मॉडिफिकेशन किया हुआ है जिसकी वजह से काफ़ी फेमस हो चुकी है, और मैं भी भाई इसी बाइक की वजह से इतना फेमस हूँ सही बताऊँ तो इंस्टाग्राम पर एंड यूट्यूब पर भी। और 80,000 सब्सक्राइबर मैंने इसी से, वैसे स्कूटी से स्टार्ट किया था, सैड फुली वो नहीं है हमारे पास, तो मैं ट्राई कर रहा हूँ वो भी वापस आ जाए। एविटर थी हमारे पास ब्लैक कलर की, अगर आप शुरू से चैनल पर जुड़े हुए हैं तो आप देख सकते हो यूएसबी फोक्स हमने डलवाए हुए हैं। एंड इसके साथ ही यहाँ पर कस्टम पेंट है रेड कलर में, बाकी रेडी आई थी बाइक। पीछे टेल पर भी काउल वगैरह एंड पीछे व्हील कवर एमएक्स ऑक्टेन का, केटीएम का मड गार्ड एंड काफ़ी सारी, मतलब ऐसा लगता नहीं है इतनी ज़्यादा मॉडिफिकेशन हुई है, बट बहुत मॉडिफिकेशन हो चुकी है भाई इसमें। एंड गाइज दिस बाइक लुक्स गॉर्जियस इन रेड, काफ़ी गंदी हो चुकी फिर भी अच्छी लग रही है। एंड गाइज थर्ड रीजन इज यू गाइज डोंट वांट मी टू सेल दिस बाइक। तो आप सभी मेरे चैनल पे इसी एन एस 200 की वजह से हो सही बताऊँ तो, बिकॉज आई हैव वेरी लेस सुपर बाइक व्यूअर्स ऑन माई चैनल। मुझसे बहुत लोग बोल रहे थे अच्छी अच्छी प्राइस लगा रहे थे मेरे एन एस 200 की, बट आई एम नॉट गोइंग टू सेल दिस बाइक गाइज, सो सॉरी फॉर डैट एंड दिस इज नॉट फॉर सेल एट ऑल, एंड कभी नहीं होगी ये। इसको हमेशा अपने गैराज में रखेंगे, इवन हम इस बाइक को भी हमेशा अपने गैराज में रखने वाले हैं मॉन्स्टर 821 को, बिकॉज गाइज इससे भी एक अलग तरह का अट्रैक्शन होने लग गया है मुझको। और जो लीटर क्लास लेंगे वो भी रहेगी भाई, बट ये दोनों तो रहेंगी। और ये अभी मैंने एक कस्टम टेल टाइट बनवाई थी हमारी मॉन्स्टर 821 के लिए, तो इसमें मैंने कस्टम ये वेल करो के इसको पेंट कर दिया। देखो अभी बिल्कुल काफ़ी सही लग रही है, बिकॉज इसमें यार होल काफ़ी दूर दूर हैं, तो ये इस तरह लग जाएगी अभी। अब इसके बाद हम नंबर प्लेट लगा सकते हैं अपनी मॉन्स्टर में, तो एक तो रहनी चाहिए भाई नंबर प्लेट। देखो अभी मैंने एन एस 200 में नंबर प्लेट नहीं लगा रखी पीछे, बट आप लोग ट्राई मत करना ये सब करना, बिकॉज भाई चलाना इन सब चीज़ों का। और दोनों बाइक साथ में खड़ी होकर देखना एक अलग तरह का प्लेजर मिलता है भाई, कई बार तो यकीन ही नहीं होता दिस इज़ माई गैराज, और जो कि और बड़ा होने वाला है। लुक एट दोज ब्यूटीज गाइज। तो पहले हम एक बाइक का ध्यान रखते थे, बट अब हम दो दो बाइक का ध्यान रख रहे हैं, तो थोड़ा सा टफ तो हो जाता है बोल सकते हो, बट वर्थ है भाई एंड कर सकते हो आराम से। जैसे मेरे एन एस 200 की भी सर्विस आ चुकी है जो कि मैं कराने वाला हूँ बहुत जल्द। एंड गाइज बाय द वे दिस इज़ माई डेली कम्यूटर बाइक। तो डुकाटी को यार देखो हर जगह नहीं खड़ी कर सकते अपन, बिकॉज काफ़ी अटेंशन ग्रैबर है वो, और लोगों की कुछ भी कर दे भाई कोई, क्योंकि आजकल जलते हैं बहुत है लोग, तो इसलिए हम एन एस को ही ले जाते हैं एज ए डेली कम्यूट। मैं ऑफिस से जाता हूँ तो काफ़ी गंदी हो जाती है खड़ी खड़ी। कुछ लोग बोल रहे थे कि एन एस 200 बेटर एंड डुकाटी, तो भाई देखो दोनों बाइक का कोई कंपेरिजन नहीं है इधर, दोनों बाइक अपने अपने सेगमेंट में बेस्ट है। एंड आपको चैनल पर तो दोनों बाइक ही देखने को मिलेगी, आप बोलते हो नहीं एन एस 200 ब्लॉग चाहिए, तो दोनों ही बाइक आएगी भाई चैनल पर, तो देखो दोनों ही अपनी बाइक्स हैं। सो अभी मैं आपको 80,000 सब्सक्राइबर के लिए थैंक यू बोलना चाहता हूँ गाइज। और काफ़ी लोग पूछ रहे थे पीछे कितना एमएम का टायर है, तो इसमें 190 mm का टायर डला हुआ है, और एग्जॉस्ट हमने आप देख रहे होगे बाकी स्टॉक लगा लिया वापस, बिकॉज यार मुझे स्टॉक की आवाज़ पसंद है डुगाटी की। आप चला के देखोगे तो भी आपको स्टॉक आवाज़ पसंद आएगी, बिकॉज जो इंजन और एग्जॉस्ट के साथ जो मिक्स होके जो डैशमो की साउंड आती है वो बस ईयर्स के लिए एक ब्लेसिंग है यार उसको सुनना, तो इसलिए आई एम बैक टू स्टॉक एग्जॉस्ट। और किसी को चाहिए GPR का ओरिजिनल एग्जॉस्ट तो बता देना यार, आई एम सेलिंग इट। तो बाकी आप कमेंट करके बताओ टेल किस बाइक की अच्छी लग रही है।
टेल टेडी लगाने से पहले आप देख सकते हो यहाँ पर काफ़ी स्पेस रह गया खाली, क्योंकि हमने यहाँ से ग्रैब रेल हटाई थी तो ये वाला स्पेस दिख रहा है। तो उसके लिए मैंने ये कस्टम सनबोर्ड की शीट से ये बनवाया है, ये इस तरह से इसके अंदर लग जाएगा और उसके बाद हम टेल टेडी लगाएंगे। तो ये रही वो टेल टेडी, मेरे पास एक एक्स्ट्रा पड़ी थी तो मैंने ये एक्स्ट्रा लगवा के ये डुगाटी में फिट हो जाएगी हमारी इस तरह से। तो स्टार्ट करते हैं इसको लगाना। तो गाइस फाइनली हमारी टेल टेडी लग चुकी है इधर, और हमने ऊपर नंबर प्लेट भी लगवा ली है और अब बस इंडिकेटर्स रह गए। एंड गाइस इसके साथ ही हमने हैंड ग्रिप्स भी लगा ली, तो कमेंट डाउन किस तरह की लग रही है हैंड ग्रिप्स। तो ग्रिप्स तो काफ़ी अच्छी है इनकी पुराने वाली की तरह, बट वो काफ़ी ओल्ड हो गई थी तो मैंने रिप्लेस कर दी। एंड नाउ कमेंट डाउन अबाउट लुक्स, एंड वेरी सून वी आर गोइंग टू अपग्रेड अवर हेलमेट ऑल्सो। एग्जॉर सही नहीं लगता इस पर, और ड्यूल एग्जॉस्ट यार काफ़ी सही लगते हैं इस पर, इसलिए मैंने वापस वही स्टॉक हटा के ये लगवा लिए। तो अगर आपको ये हैंड ग्रिप लेनी होगी तो मैं अमेजन का लिंक डाल दूंगा डिस्क्रिप्शन में, और बाकी वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करना है, सब्सक्राइब करना है यूट्यूब चैनल। आई विल सी यू इन माय नेक्स्ट वीडियो।